इसरो ने इतिहास रच दिया जब इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ सबसे भारी व्हीकल मार्क 3 रॉकेट को लॉन्च किया। इसी साल 2023 में ये दूसरी बड़ी कामयाबी है इसरो के लिए। फरवरी में इसरो ने SSLV-D2EOS-07 मिशन लॉन्च किया था जो कि सफल रहा। रॉकेट LV-M3 की लंबाई की बात करें तो 43.5 मीटर की है और वजन की बात करें तो 643 टन का है। इसरो द्वारा रॉकेट मिशन कोड का नाम LV-M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन रखा गया है। LV-M3 एक 3 स्टेप वाला रॉकेट है जिसमें पहले स्टेप में तरल ईंधन ठोस ईंधन द्वारा संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर शामिल है, तो दूसरा तरल ईंधन द्वारा संचालित होता है, तीसरा क्रायोजेनिक इंजन है। इस भारी रॉकेट की क्षमता की बात करें तो LEO का वजन 10 टन का है लियो अर्थ ऑर्बिटल के लिए, तो वहीं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए इसका जो वजन की जो क्षमता है सहने की वो 4 टन तक की है, यानी इतना वजन ले जा सकता है ये भारी भरकम रॉकेट। पिछले साल ही अक्टूबर में भी इसरो ने वन वेब के 36 सैटेलाइट्स LV-M3 रॉकेट के साथ लॉन्च किए थे। वन वेब एक ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी है जिसमें भारतीय संचार कंपनी एयरटेल भी एज अ शेयर होल्डर है। ये दूसरी डील थी इसरो की इस कंपनी के साथ। इस प्रकार भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रॉकेट लॉन्च होने के ठीक 19 मिनट बाद सैटेलाइट के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हुई और 36 सैटेलाइट्स अपनी अलग अलग चरणों में अलग अलग पोजीशन पर पहुंच गए। तो दोस्तों फिलहाल इस सफल अभियान से दुनिया के हर हिस्से में स्पेस आधारित ब्रॉडबैंड इंटरनेट योजना में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। इस प्रकार इसी साल फरवरी में SSLV-D2EOS-07 मिशन के सफल लॉन्च के बाद इसी साल यह इसरो के लिए दूसरा बड़ा लॉन्च है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एंड वर्ल्ड हमारे चैनल सोच से। नमस्कार।